मध्य प्रदेश में आगामी दिसंबर में होने वाले चुनावों के प्रति जनमानस का आकर्षण बढ़ रहा है और इसीलिए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व किया जा रहा है। आज यह यात्रा राजगढ़ जिले में आयोजित की गई, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह के साथ जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के खिलाफ तीखी बातें कही हैं। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सख्त आरोप लगाया है। बोले, शिवराज का एक इंजन खराब हो गया है और इसके बजाय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे इंजन का समर्थन किया है। उन्होंने इस सिलसिले में भाजपा को आलोचना की और कहा कि वे आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं और उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। 19 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है और इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शिरकत हो रही है। कांदा का कट्टा, आलू की बोरी, लहसुन का कट्टा, ये मैं वहाँ विधानसभा में लेते हूँ, कभी वीडियो देखो नहीं देखो। ये बीजेपी का लोग कही कि जीतू पटवारी में नेतागिरी करेंगे। कांदा को भाव सस्तो हो जाओ तो सरकार का कांदा पर कांदा रखी ले जाऊँ, तो इनका कही क्या यार नेतागिरी करेंगे। तो यार नेतागिरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अभी थोड़ा दिन पहला मैंने 3000 रुपया कुंटल किसान ना का गेहूं की मांग की थी, तो वो विधानसभा में वीडियो आया तो तुमने देखियो तो तुम्हें प्रियव्रत सिंह जी दिखा था? ये हम सातज बटा आगे पछा, डबल इंजन से उनका ठोका है सामने। अब बीजेपी का कही कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार, ये अपना मामा जी भी कहे डबल इंजन की सरकार, ये थोड़ा धीमा कहे, मोदी जरा कड़क कहे। तो तुम्हारी याद है दो 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 इंजन कब लगाना पड़ा है? पहलो फेल ही आए तो दूसरा लगाना पड़ा। ये शिवराज को इंजन ही जो है फेल, ठीक है, बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? शिवराज का इंजन हो गया है, अब कमलनाथ का इंजन आगे की बुलेट ट्रेन में लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हारा हमने यात्रा चालू की थी मंदसौर से, मंदसौर में अद्भुत प्रतिसाद, फिर वहां से हम गया मल्लारगढ़ नीमच रात का अद्भुत अकल्पनीय, वहां से जावर फिर सुहासरा, और जैसा जैसे यात्रा आगे बढ़ी तो यह तो मालूम थी हमारा कि आक्रोश है, पर तो भयंकर आक्रोश है यह मालूम नहीं थी। अब यहां आता आता पतो चलियो, जीरापुर से जैसे हम यहां आया छापेड़ा, तो एक बात दिमाग में पक्की मारा घुसी गई है कि मार साहब फंसी गए, मार साहब को इन बीजेपी ने बुढ़ापा बिगाड़ दियो है। इन 80 साल की उम्र में जो प्रहार करे हो मास्टर पर, अच्छो नहीं करे इन बीजेपी, इन्हें बीजेपी ने मास्टर थोड़ा पैसा भी ज्यादा खर्च करेगा फिर भी घर रहेगा, क्योंकि खिलचीपुर की जनता के विधायक थोड़ी चाहे मंत्री चाहो मंत्री, अरे मंत्री बने तो 15 महीना को माड़ भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि हिंदी बोलू माड़वी मत सुनो तुम, 15 महीना को अपनो विधायक मंत्री बने हो, खिलचीपुर को नाम रोशन कर दियो पूरा मध्य प्रदेश में, 100 रुपया 100 यूनिट, 150 रुपया 150 यूनिट, कोई को बिजली को कनेक्शन कटेगो नहीं, 1 करोड़ परिवार पूरा मध्य प्रदेश में लाभान्वित हुआ 15 महीना लगातार। तो यह प्रियव्रत जी की अक्कल बुद्धि सूझबूझ का कारण है, तमाम विधायक का कारण है, साथ ही ना भाई ना परिवार के लोगों, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। यह हमारे लिए कई परिवार के लोग होते हैं विधायक बनते हैं,
विधायक बनना 5000 विधायक देश में हर 5 साल में बनते हैं और हटते भी हैं, पर एक क्षेत्र की पहचान पूरे देश में कैसे बने? वैसे विधायक अगर कोई है तो आपके प्रीमत सिंह जी है, राजा साहब है, कोई इनकी बात में नहीं आनु है। जन आक्रोश और जन आशीर्वाद, इनका जन आशीर्वाद चाहे का कि इनका किसान ना की इनकम इन्ना आधी कर दी, लागत डबल कर दी, किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा करा है, कर्जदार सबसे ज्यादा किसान है, किसान ना की ऋण माफी की योजना रोकी दी, किसान ना के लिए 3 कानून ले दिया, 700 किसान ना की मौत होगी और 1,00,000 किसान ना पे इनने मुकदमा लगा दिया, मंदसौर में 6-6 किसान ना के गोलियां से भून दिया, इनका फिर भी जन आशीर्वाद चाहे। 1 करोड़ बच्चा ना बेरोजगार है, 1 पिता या छापेड़ा से खिलचीपुर से इंदौर भेजे, भोपाल भेजे, बंबई भेजे, दिल्ली भेजे, पढ़ा है कि मारो बेटो पढ़ी लिखी जाएगा तो नहीं खेती बाड़ी का साथ नौकरी पर लगी जाएगा। जब पढ़ा लिखा कर पेट काट काट कर बच्चा जवान होता है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती परेशान होता है, नशा करने लग जाता है और नशा करता हुआ बेटा जब घर आता है तो बुजुर्ग माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, रोते हैं कि नहीं रोते हैं? ये ऐसा प्रदेश बना उसके बाद भी इनको आशीर्वाद चाहिए। 1 व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पे पिशाब करता है, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, दलितों को घसीटा जाता है, फिर भी इनको आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए इनको। इन्होंने 251 घोटाले किए, 40 परीक्षाएं, 40 में गड़बड़ घोटाले, व्यापम से लेकर पटवारी तक किसी को नहीं छोड़ा इनने, फिर भी आशीर्वाद चाहिए। ये सब बातें आशीर्वाद की है कि आक्रोश की है? अरे आशीर्वाद की है कि आक्रोश की है? जीतू पटवारी ने आज राजगढ़ में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सुनामी आ रही है, जिससे भाजपा को बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के साथ ही राकेश सिंह और 3 अन्य सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया है। हंगामा इसी को लेकर मचा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर भाजपा पर हमला किया और उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार के रूप में चित्रित किया, जिसमें एक इंजन की हालत खराब हो जाती है तो दूसरा इंजन लाया जाता है। वे बताते हैं कि कांग्रेस की जीत के बाद न्यायवादी सरकार आएगी और मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा। इस यात्रा में जीतू पटवारी ने जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने यह संदेश दिया कि उनका उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक बार फिर से कांग्रेस को नेतृत्व में लाना है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की और लोगों के बीच उत्साह और समर्थन बढ़ाया। इसी रूप में जीतू पटवारी ने आज खिलचीपुर और सारंगपुर राजगढ़ का दौरा किया और यहाँ की जनता के बीच अद्वितीय उत्साह को दर्शाया। उन्होंने सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। यह लेख आपके प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। कृपया अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से इसे संशोधित करें। जीतू ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि 251 घोटाले करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, किसानों को कर्जदार बनाने वाले, युवाओं को बेरोजगार बनाने वाले, 40 परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले, आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले जनता से आशीर्वाद मांगने निकले हैं। जबकि मध्य प्रदेश का जनवरी से जनवरी आक्रोश में डूबा है। डबल इंजन का झूठ बोलने वालों को सच का आईना दिखाना है। फिर एक बार मिलकर हम सभी को कमलनाथ जी को सीएम बनाना है।